Hi, good morning all of you. Hello students, how are you all? Fine, very good. Now, you know who am I? Don't know? Yes, I tell you, just myself, Bhavin sir. So I'm Bhavin Dave from Modasa. Then now, see, today we have to learn of your standard 7. Chapter number 1, and the name was Nutrition in Plant. That name of Nutrition in Plant. So you know, what is nutrition? What is we can say is a nutrition? That nutrition, that means आप खाना खाते हो, खाना क्यों खाते हो आप? क्यों खाते हो आप खाना? यस, ताकत के लिए. और खाने खाने के लिए ताकत आती है तो उसके ताकत से क्या करते हो? क्या करते हो? लिखते हो. अब तक लिखा तुमने, अब मुझे मालूम है कितना लिखा हो. फिर खेलते हो. यस, दैट इज द मेन पॉइंट. हम खेलते हैं क्योंकि खाना खाने से ताकत आती है. खेलते हैं, काम करते हैं, कूदते हैं. सो वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स. Okay, and for doing this all things, what is required? Food. Thakat chahiye. Aur thakat hum sukhan kahan se milegi? Food mein se. Right? Same, my dear students, for all this person, if they want food, if they want energy, they require food. So, hum ye chapter mein apne aise hi kuch khane ke baare mein kaam karein, baat karenge. खाने के बारे में मतलब हमको खाना बनाना नहीं है, खाना लाके खाना नहीं है. आपको यहाँ पे समझना है why food are important in our body, then how we are doing that, how the food works in our body. हमारी बॉडी में फूड कैसे काम करते हैं वो हमको पढ़ना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज जस्ट स्टार्ट विद चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट. सो यू लर्न इन, आप लोग लास्ट ईयर 6th स्टैंडर्ड में सीख गए. क्या सीख गए? अबाउट फूड, राइट? एंड फूड में न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मींस व्हाट एवर वी आर ईटिंग. फूड, फूड जो खाते हैं. और फूड में से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स, दैट वी आर टेकिंग गेटिंग फ्रॉम द फूड, एंड दिस इज नोन एज अ न्यूट्रिएंट्स. And these nutrients are very, very necessary for us. हमें बहुत काम का है. Same, for food is good for us. हमारे लिए food के लिए ये nutrients बराबर है, right? Same for living beings. Now, just tell me one thing. From where we get this food? हम ये सब food कहाँ से मिलती है? For. So, we are taking food and then वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट. हमको फूड किस में से मिलता है बेटा? प्लांट में से मिलता है, राइट? एंड प्लांट सिंथेसाइज अवर फूड फॉर देमसेल्फ. प्लांट हमारे लिए काम करता है, फूड बनाता है, और वो फूड अपने आप भी खाता है और हमको भी खिलाता है. बट वी कैन नॉट मेक फूड अवर सेल्फ, राइट? वी मीन्स ऑल एनिमल्स, हम सब. अब आप में से कोई बोलेगा यस 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 सर. अब आप में से कोई बोलेगा कि हाँ सर, मेरी मम्मी तो घर पे खाना बनाती है. यस, योर मदर मेकिंग फूड एट होम. लेकिन वो फूड बनाती नहीं है, वो फूड कुक करती है. प्लांट्स प्रिपेयर फूड देमसेल्फ्स इन द लीफ, दैट यू लर्न. हम वो सब आदमी सीखेंगे. प्लांट अपना फूड बनाता है, बराबर? और तुम्हारी मम्मी भी फूड बनाती है, लेकिन वह फूड कुक करती है. उसके लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, फ्रूट, पल्सेस, इवन सीरियल्स. सीरियल्स मतलब व्हीट, कॉर्न, राइस, मिलेट, ये सब मम्मी कहाँ से लाती है बेटा? पापा लाते हैं. हाँ, पापा लाते. कहाँ से लाते हैं? बाजार में से लाते हैं. अब बाजार में कहाँ से आता है?
खेत में से, फार्म में से आता है, वेरी गुड। अब फार्म में कौन बनाता है? फार्मर, वेरी गुड। अब फार्मर बनाता है, फार्मर अपने आप को नहीं बनाता होगा, वो सब प्लांट के ऊपर होता है, सब मतलब ट्री में, पेड़ में, वो सब में होता है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फूड विच इज मेड इन योर हाउस। तुम्हारे घर पे मम्मी खाना बनाती है, रोटी सब्जी पूरी हलवा सीरो देन गुलाब जामुन जलेबी, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर उसके बारे में बात करेंगे तो मुँह में पानी आ जाएगा। वो खाना फिर जलेबी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम प्लान के बारे में बात करें आज, ओके। फिर आपकी भी बात करेंगे बाद में, बाद में, ओके। सो फर्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो प्लांट्स, हाउ द प्लांट्स आर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। सो न्यूट्रिशन जस्ट आई टोल्ड यू द फूड विच आर प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, राइट। सो न्यूट्रिशन इज enable living organisms to build their bodies. Nutrition से living organisms की body बनती है। Body मतलब ऐसे नहीं कि ये ताकत, body मतलब ये body, hands, legs, nose, mouth, bones, everything. And it's also repair the damaged pair of their bodies. Damaged pair मतलब अगर कोई जगह पे cell हमारी body में कुछ suppose cut हो गया तो क्या होता है, बाद में धीरे 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 वो cell बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ना, हाँ। सो दिस इज इट्स फॉर रिकवर दैट वी रिक्वायर एनर्जी। सो इट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी अवर लाइफ प्रोसेस, हमारी लाइफ प्रोसेस, लाइफ में जो फूड खाते हो, राइट, वो फूड खाने के बाद रेगुलर वर्क करने के लिए उसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। एंड वो लाइफ प्रोसेस के लिए क्या हमको चाहिए? एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। एंड दैट वी टे गेट फ्रॉम फूड प्लांट, एंड फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट, and it is called as for nutrition. Now, my dear friends, there are two types of nutrition we have to learn here. One, autotrophic nutrition. Second, heterotrophic nutrition. Now, what is the meaning of autotrophic nutrition? See, कोई भी चीज हमको कोई भी जगह से रटना नहीं है, मतलब don't try me, हमको समझना है, and all the meanings are given inside the word. वर्ड के अंदर ही मीनिंग दिया है। सी मीन्स ऑटो ट्रॉपिक, ऑटो 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 चला रहे हो, यस, ऑटो ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद, अपने आप। ट्रॉप्स, ट्रॉप्स मतलब न्यूरिशमेंट, ट्रॉप्स का मतलब है न्यूरिशमेंट। एंड देन ऑटोट्रॉपिक्स दैट मीन्स द प्लांट्स, द एनिमल्स, हुम एवर बी, मे दे न्यूरिश देमसेल्व्स, न्यूरिश सेल्फ, जो अपने आप न्यूरिशमेंट करते हैं, अपने आप खुद को अपने आप ताकत बनाते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम सब, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट, मेक फूड देमसेल्व्स, मेक फूड देमसेल्व्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। द सब्सटेंस इट इज नोन एज सिंपल सब्सटेंस, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉप्स, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। मतलब कि ऐसे एनिमल, या तो बर्ड या तो प्लांट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट, क्योंकि ओनली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक। सो वी कैन से द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, ये भी जरूरी है, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस में से फूड बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, ओके। ऑटो दैट मीन्स सेल्फ, एंड ट्रॉप्स दैट मीन्स न्यूरिशमेंट, राइट। एंड दिस ऑटोट्रॉप मीन्स सेल्फ न्यूरिशमेंट मेड बाय द प्लांट, इज सेल्फ न्यूरिशमेंट मेड बाय द प्लांट, दैट्स व्हाई वी कैन से प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, यस, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। पूरे वर्ल्ड में प्लांट ऐसे है जो खुद फूड बनाते हैं, यस। तुम्हारी मम्मी भी फूड बनाती है, लेकिन मैंने बताया मम्मी रूपपुरी बनाने के लिए गेहूँ कहाँ से लाएगी? बाजार में से लाएगी, राइट। सो योर मदर इज नॉट ऑटोट्रॉप्स, या ये ध्यान रखो, ये ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स न्यूरिशमेंट, राइट। ऑटोट्रॉप्स मीन्स
वंस अगेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेड फूड देमसेल्व्स, अपने आप को बनाते फॉर सिंपल सब्सटेंस बनाते, दिस इज नोन एज ऑटोट्रॉप्स और एंड देन दिस प्लांट इज ऑटोट्रॉप्स. तो प्लांट्स अपने आप को बनाता है. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द हेटरोट्रॉप्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटरो? हेटरो दैट मीन्स अदर. सो नाउ दिस इज ऑटोट्रॉप्स. नाउ हेटरोट्रॉप, हेटरोट्रॉप्स में हेटरो मीन्स अदर्स, मतलब दूसरे. ट्रॉप्स मीन्स इंग्लिश मैन, ट्रॉपिक्स ट्रॉप्स. दैट मीन्स द एनिमल विच आर डिपेंड ऑन फॉर अदर, वो फूड में खाते हैं लेकिन दूसरे से फूड खाते हैं, दूसरे कोई उनको देता है, राइट, दूसरे कोई बना के देता है, उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स. सो द मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ मीन्स ऑल एनिमल बर्ड्स इंसेक्ट्स अवर वी आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर टेकिंग फूड नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस, हम अपने आप फूड बना के नहीं खाते, प्रिपेयर्ड बाय प्लांट. वी ऑल आर टेकिंग फूड विच प्रिपेयर बाय द प्लांट, दैट्स वाई वी ऑल आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉपिक्स, राइट. सो सी हेटरोट्रॉपिक्स दैट मीन्स हेटरो अदर, ट्रॉप्स मीन्स न्यूरिशमेंट, एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक्स विच आर बर्ड एनिमल्स ह्यूमन बींग्स इंसेक्ट्स, वी ऑल आर हेटरोट्रॉप्स, राइट. नाउ यू अंडरस्टूड दैट दिस व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉपिक्स, हेटरोट्रॉपिक्स. ऑटोट्रॉपिक्स मीन्स ऑल द प्लांट्स even creepers, trees, everything, those are known as plant organisms, these all are autotrophics. Then heterotrophics means the human being, birds, animals, insects, we all are known as heterotrophics. Why? Because we are using food as a plant, plant ko food tarah se khate hain, right. So now you may have question, aapko question ho sakta hai कि प्लांट फूड बनाते मोस्टली व्हाट इज द वर्क ऑफ फैक्ट्री. यू हैड हर्ड द वर्ड अबाउट द फैक्ट्री, फैक्ट्री सीख समझाए. देखिए तो फैक्ट्री में क्या होता है, प्रिपेयर करते. सो दिस वे वी कैन से, अभी तो सर ने बोला कि प्लांट फूड बनाता है, सो प्लांट को हम फैक्ट्री बोलेंगे ना. हाँ, लेकिन ये ऐसी फैक्ट्री है कि जिसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम नहीं करते, प्लांट खुद काम करता है. सो फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, वी कैन से द प्लांट्स आर फूड फैक्ट्रीज. अब हम वो फैक्ट्री में जाएंगे. आपको आना है मेरे साथ घूमने के लिए फैक्ट्री में? हाँ, ओके. तो अब हम वो फैक्ट्री में जाएंगे और फैक्ट्री में प्लांट फूड कैसे बनाते हैं ऐसे देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल सी, अगर आप कभी टूर में जाओ, टूर में जाते हो ना, हाँ, आपके स्कूल में से टूर ले जाते, अगर टूर में जाओ और टूर में से कोई आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री ले जाए या तो कोई कुछ जैम बनाने की फैक्ट्री ले जाए देखने के लिए, तो आप अंदर देखने जाओगे तो आइसक्रीम कैसे बनाता है वो सब देखोगे. तो आज मैं आपको ऐसी प्लांट, मतलब फूड बनाने की प्लांट वाली फैक्ट्री में ले जाते हैं और मैं आपको बताऊँगा कि फूड कहाँ पर, प्लांट कैसे बनता है. तो आना है मेरे साथ, ओके. सो लेट्स गो, बी रेडी. यहाँ पे ध्यान होना चाहिए सबका, हम सब जाएंगे. हाँ, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस. सो आज हम अब नेक्स्ट टॉपिक फोटोसिंथेसिस का सीखेंगे. फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, और ये कहाँ होता है, लीव्स, लीव्स में होता है. दैट्स वाई वी कैन से द लीव्स आर फूड फॉर फैक्ट्री ऑफ प्लांट. सो वी कैन ऑल्सो से द लीव्स आर किचन ऑफ द प्लांट. लीव्स को हम प्लांट्स के किचन भी बोलते हैं. देन ऐसे ही हमको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, कोई भी खा बनाना हो तो रॉ मटेरियल चाहिए. तो यहाँ पे रॉ मटेरियल कौन सा है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल. देन सी लीव्स में ऐसे कुछ वर्क होता है. Then I will explain this, how the photosynthesis reaction
work in the plant. Okay, so now start our next topic, photosynthesis. So dear students, photosynthesis, that is happen in the plant. All the plants are doing the photosynthesis reaction. Okay, then now this photosynthesis reaction, that means preparing food. प्लांट अपना फूड अपने आप बनाता है. ओके, अब वो कहाँ बनाता है? जैसे हमारे घर पे कोई एक रूम होता है, जैसे मम्मी किचन में बहुत रूम होती है, किचन होता है, उसमें मम्मी खाना बनाती है, राइट. सेम पूरे ट्री में भी बहुत सारे किचन होते हैं, बट ऑल लीव्स, ये हमने लीव्स ड्रॉ किया है, ऑल लीव्स आर नोन एज अ किचन ऑफ द प्लांट. और यही बहुत सारा फूड यहाँ पे मिलता है, उसको क्या बोलेंगे? फैक्ट्री. So we can say the leaves are food factories of plant, right? अब हम factory में जाते हैं, ready? Okay. Now you know that, my dear students, you know that कोई भी कुछ चीज़ बनाने के लिए हमको क्या कुछ रॉ मटेरियल जरूर पड़ती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मम्मी को हलवा बनाना हो तो क्या क्या लाना चाहिए? वीट फ्लोर लाना पड़ेगा, शुगर लानी पड़ेगी, घी लाना पड़ेगा, है ना. अब ऐसे यहाँ पे हमको फूड प्लांट को फूड बनाना है, तो उसको भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए. तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाएगी? और कौन सा रॉ मटेरियल? उसको गेहूँ नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए, उसको ये चाहिए क्या? सनलाइट, जो सन देता है, वाटर एंड मिनरल्स, जो लैंड में से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज प्रेजेंट इन एटमोस्फियर, एयर एंड क्लोरोफिल. Most important pigment, green pigment chlorophyll present in leaves. उसके अंदर होता है. So, what is the photosynthesis reactions? Let's start. See, plants take sunlight. Plants means leaves of the plant take sunlight, right? And the carbon dioxide from atmosphere, right? And roots of the plants absorbs water minerals from the roots. Root क्या करते हैं? Land में से water और mineral absorbs करते हैं, और वो धीरे धीरे यहाँ पे हर leaves के पास पहुँच जाता है. तो water minerals which absorbs by the roots of the plants from the land, right? And the carbon dioxide which present in atmosphere and sunlight. With the help of sunlight, carbon dioxide, chlorophyll and water minerals, plants prepare their food. That preparation of the food is known as photosynthesis reaction. ऐसे फूड बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है प्लांट के किचन में, इट इज नोन एज photosynthesis reaction. इसके लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए? वंस अगेन आई एम रिपीट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स. अब मिनरल्स में क्या क्या चाहिए वो आप बाद में देखेंगे. वाटर, आपको मालूम है, जब भी कोई प्लांट को अच्छा करना हो तो हम क्या करते हैं? वी आर एडिंग वाटर.